हाय गाइस, मैं करण राज ऑफ द करंट रिएक्शन। आज बात करेंगे रेबल स्टार प्रभास, थालापति विजय, सुपर स्टार महेश बाबू को अपकमिंग फिल्म में लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं आज। तो बात करें भाई सुपर स्टार महेश बाबू को सरकारों बाड़ी पता के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसे कि सबको पता है, इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं पासुराम और इस फिल्म को अगले साल मकर संक्रांति के दिन इसको रिलीज किया जा रहा है। और ये महेश बाबू के साथ में देखने के लिए कृति सुरेश मिलेगी देखने के लिए। और इस फिल्म को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है। इस फिल्म में जो विलन होने वाले हैं ऐसा सुनने वाला है कि अनिल कपूर होंगे। ये जो अफवाह फैल रहा है कि अनिल कपूर विलन बनने गए हैं, तो भाई ये अफवाह बहुत गलत है। ऐसी सोशल मीडिया पर भाई आते जाते रहती है भाई। जैसे कि कुछ दिन पहले MI7 मूवी कर रहे हैं भाई डार्लिंग प्रभास, ये भी अफवाह झूठ था यार, पूरा फेक न्यूज़ था। उसी तरह से भी आ गया भाई। लेकिन सरकारों बाड़ी पाता की जो टीम है भाई, कनाडा का सुपर स्टार अर्जुन सरजा को भी ये ऑफर अप्रोच किए हैं और उन्होंने अभी तक भाई ने एक्सेप्ट किया है नहीं रिजेक्ट किया है। दूसरी अपडेट है थलापति विजय सर की एक और अपकमिंग फिल्म पैन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, इस ईयर थलापति विजय की फिल्म रिलीज हुई मास्टर और बॉक्स ऑफिस पे हुआ ब्लॉकबस्टर। यहाँ दोस्तों दूसरी फिल्म थलापति विजय की हो रही है थलापति विजय 65 और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं लेंसन। फिर उसको थलापति विजय की जो अगली फिल्म होने वाली है गाइस वो है 66, यानी कि उनकी करियर के 66 को लेकर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है दोस्तों। 266 होने वाली है थलापति विजय के करियर को लेकर। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं गाइस वंशी पेदी पल्ली, तेलुगु का बहुत बड़ा डायरेक्टर हैं। इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं गाइस दिल राजू। और इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा गाइस 66 को 2023 में या 2024 में। एक और अपडेट है पैन इंडिया सुपर स्टार प्रभास के एक नया फिल्म को लेकर। तो जैसे कि गाइस टॉलीवुड में सबसे ज़्यादा फिल्म है वो है डार्लिंग प्रभास के पास, राधे श्याम बन के तैयार हो गई है, फिर उसके बाद सल्लार आ रही है, फिर उसके बाद आदि पुरुष आ रही है, फिर उसके बाद प्रभास 20 वगैरह। सब सबको मैं बता दूँ डार्लिंग प्रभास का एक और फिल्म का अनाउंसमेंट बहुत जल्द होने ही वाली है। उनको फिर से एक बार डार्लिंग प्रभास को चांस मिलेगा SS राजामौली के साथ काम करने को। और जैसे कि बाहुबली को डायरेक्ट किया था SS राजामौली ने, ब्लॉकबस्टर हुई थी बॉक्स ऑफिस पे, तो भाई धमाल कर देती है, एकदम बवाल की सुपर डुपर हो गई थी फिल्म में। और इतनी सारी फिल्म आ रही है भाई, तो भाई बवाल हो जाएगी। हालांकि डार्लिंग प्रभास से जो एक्टिंग होती है धमाकेदार होती है और लोगों को जितना ऑडियंस की दिल होती है भाई सबके ऊपर राज करते हैं, सबके दिल जीत लेते हैं भाई। और सबसे बड़ी बात, जितना सल्लार मूवी आ रही हुई तो भाई धमाल कहीं कर जाएगी। तो गाइस आपका ये तीनों अपडेट आपको कैसी लगी गाइस, तो प्लीज़ गाइस कमेंट सेक्शन में डार्लिंग प्रभास लिखें, थलापति विजय लिखें, फिर महेश बाबू भी लिख सकते हैं आप, और जिसका फैन भाई उसी को लिखें आप। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाओ, जरूर हर वीडियो आप तक पहुंचा। और गाइस अभी बहुत सारे अपडेट आने वाले, मैं हर एक अपडेट आपको ला के देता रहूँगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पीस आउट।